दोस्तों वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी क्या है, विद्यायन एग्जाम की जो मेन एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, ठीक है ना। हमने क्या है, दिन में क्या है एक सीरीज आती है हमारी, जिसमें क्या है मैथ लेकर आते हैं और साथ में क्या है एक अदर सब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है ना। यदि आपने दिन की क्लास नहीं दे रखी हो, चार बजे वाली क्या है क्लास नहीं देखी हो, तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो के नीचे भी लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या है आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था कि क्या है इंग्लिश के साथ कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश की तैयारी कराइए, तो हम क्या है अब इंग्लिश क्या है डेली 8 बजे क्या है लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या है आज हम साइंस लेकर आए और साथ में क्या है निबंध भी लेकर आए। किस तरीके से आपको क्या है निबंध लेखन करना है, आपको क्या है एक पत्रिका मिलेगी जिसमें क्या है आपके लिए जो निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्या है निबंध लिखना है वो आज हम क्या है आपको बताएंगे। क्लास को पूरी देखना, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हम अच्छे कंटेंट के साथ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। दे रखा है मतलब डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर क्या है एक से सिक्स, यानी कि ये चूज द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल, यानी कि क्या है हमें ऐसा आर्टिकल चूज करना है जो क्या है सबसे सूटेबल हो, ठीक है ना। टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्या है कुछ खाली स्थान दे रखे हैं उसमें क्या करना है आपके लिए जो मतलब क्या है सबसे मोस्ट मतलब क्या है सबसे मोस्ट मतलब क्या है सबसे ज़्यादा सूटेबल हो वो वाला क्या है आर्टिकल इसमें फिल करना है, ठीक है ना। इफ़ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड चूज द आंसर, ठीक है ना। यदि क्या है कोई भी मतलब क्या है आपके लिए जो आर्टिकल है वो सब नहीं आ रहा है कि हाँ इसमें कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है तो इसमें क्या लिख दो नो आर्टिकल, ठीक है ना। देखो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ बच्चों को कल क्या हो रहा था कि यह ऑप्शन दिख नहीं रहे थे, इसलिए क्या है हमने थोड़े ऑप्शन थोड़े ऊपर रखे हैं, इससे क्या है आपको क्वेश्चन दिख जाए। अगर नीचे भी ऑप्शन होंगे तो हम एक बार क्या है पूरा विजिट कर दिया करेंगे पहले ऑप्शन पर, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है मतलब ही इज अनलकी मैन, ठीक है ना। देखो ऐसे ही सभी क्या है हमारे आज जो क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है आर्टिकल से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है इमेज से रहेंगे। जैसे कि क्या है विद्यायन में आते हैं इमेज से लेकर उसी वही वो वाली क्वेश्चन में क्या हम लेकर आए हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें बोल रहा है ही इज डैश दे रखा है, फिर अनलकी मैन, यहाँ पे बताना है हमारे लिए कि कौन सा इसमें आने वाला है, ठीक है ना। द आएगा, एन आएगा, ए आएगा या नो आर्टिकल, यानी कि क्या है इसमें से कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें इसमें क्या करना है बताना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आर्टिकल आने वाला है वो क्या आएगा, वी ऑप्शन, यानी कि क्या है एन, क्या आएगा इसमें एन, यानी कि ही इज एन अनलकी मैन, क्या आने वाला है यहाँ पे एन। एन का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि जो अनलकी क्या होती है हमारी वोवल साउंड से क्या है आरंभ होती है, इसलिए क्या है इसमें एन आएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, जो मतलब क्या है जो भी क्या है हमारा जो साउंड है वो क्या है वोवल साउंड से आरंभ होता है जो भी क्या है ध्वनि हमारी क्या है वोवल साउंड से आरंभ होती है वो उसमें क्या आता है हमारा एन आता है, ठीक है ना। और जिसमें क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से क्या आरंभ होती है उसमें क्या आता है ए आता है। मैंने एक बार में आपके लिए बता दिया, तो इसी तरीके से आपको इसमें यूज करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए द लॉयन इज किंग ऑफ वेस्ट्स, ठीक है ना। हमें बताना है इसमें कि कौन सा आर्टिकल आने वाला है, इसमें द आएगा, एन आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन बता रहा है। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या है इसका सही आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इनके लिए, ठीक है ना। इसमें जो आंसर देने वाले हैं वो बच्चे क्या दे रहे हैं इसमें, अभी देखता हूँ एक सेकेंड में। इसमें द, ठीक है, यानी कि क्या है क्या आएगा इसमें द, क्या आने वाला है इसमें द, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दा क्यों आएगा, कि दा का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है डेफिनेट है, डेफिनेट है कि लॉयन किंग ऑफ बेस्ट, ठीक है ना। इसलिए क्या आएगा इसमें दा आएगा, यानी क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आई ईट एन एग, इसमें डैश डे, इसमें बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। हमें दे रखा है आई ईट एन एग, फिर डैश दे रखा है डे, दे द आएगा, एन आएगा, ठीक है ना। इसमें दो ऑप्शन क्या है थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं, तो यहाँ पर वही ऑप्शन रहेंगे जैसे ऊपर वाले ऑप्शन लगातार दे रखे थे हमारे, नो आर्टिकल और ए, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन आप ए मानो और डी वाला ऑप्शन क्या है नो आर्टिकल मानो, ठीक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो आपको बताना है इसमें कि आई ईट एन एग, फिर क्या दे रखा है डैश दे रखा है, फिर क्या दे रखा है डे दे रखा है, इसमें बताना है आपको कौन सा क्या है आर्टिकल इसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्टिकल आने वाला है वो क्या आएगा ए, कौन सा आएगा ए आर्टिकल इसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा, ऑप्शन हमारे के इसमें दे नहीं रखे हैं, तो क्या आएगा आई ईट एन एग ए डे, ठीक है ना, क्या आएगा ए डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फोर नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। देखो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है ना, पूरा देख के जाना और अपने क्या है साथियों में शेयर कर दो, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे क्या है अपने शेयर कर दो, एक एक बच्चे को लेकर, ठीक है ना, तो आपको और ज़्यादा क्या है आनंद आने वाला है, जिससे क्या है लगता है कि हाँ सर, साथ में ये लगता है कि कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है, कौन कितनी क्या है किस बच्चे की कितनी तैयारी है, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये दे रखा है आई वांट टू बी, यहाँ पे डैश दे रखा है और यहाँ एमपी लिखा हुआ है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है द आएगा, एन आएगा, ए आएगा या नो आर्टिकल आने वाला है, तो बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आर्टिकल बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारा, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है ना, तो क्या बनने वाला है, एन का प्रयोग होगा। इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होने वाला है। अब एन का प्रयोग क्यों होने वाला है, क्योंकि जो एमपी है वो क्या है हमारे वोवेल साउंड से आरंभ हो रहा है, ठीक है ना, कौन से साउंड से, वोवेल साउंड से क्या है ये आरंभ हो रहा है, यानी कि क्या है इसकी शुरुआत किससे हो रही है, वोवेल साउंड से, इसलिए क्या है इसमें एन आने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन दे रखा है गिव मी, यहाँ पे डैश दे रखा है, ठीक है ना, अम्ब्रेला विच यू बुगेस्ट, ठीक है ना, यस्टरडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है इस डैश की जगह कौन सा क्या है आर्टिकल आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, द आएगा, कौन सा आर्टिकल आने वाला है, द, यानी कि एक ऑप्शन नंबर ए का यूज होगा इसमें, यानी कि द आने वाला है, गिव मी द अम्ब्रेला, क्या आना है, क्या आएगा यहाँ पे, द आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा द, क्योंकि जो अम्ब्रेला है ये क्या है, एक निश्चित चीज़ है, डेफिनेट है, या फिर क्या कोई खास चीज़ है, ठीक है ना, और खास बात बताई जा रही है जो क्या है केवल खरीदा गया है, वो क्या किया है, खरीदा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, द आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है छः नंबर, ही डाइड विदाउट द, यहाँ विदाउट सॉरी द बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे डैश हेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है छः नंबर में कौन सा आर्टिकल आने वाला है, ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा ऑप्शन वही दे रखे हैं हमारे, ठीक है ना, वही दे रखे हैं, यानी कि क्या है, पहला ऑप्शन दा है, दूसरा एन है, और तीसरा नंबर क्या है, ऑप्शन हमारा ए है, और अगला ऑप्शन क्या है, नो आर्टिकल है, ठीक है ना। तो उसमें यूज होने वाला आर्टिकल कौन सा होगा, ठीक है ना, आपको बताना है इसमें जो यूज होने वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, कौन सा आर्टिकल यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्टिकल यूज होगा वो क्या होगा, एन आर्टिकल यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि हेयर है, हेयर क्या है हमारा वोवेल साउंड से क्या है आरंभ हो रहा है, ठीक है ना, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन का यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अब देखो इसमें क्या है, कुछ हमारे लिए फिगर दे रखा है, इस फिगर में देख के क्या है इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दे रखा है, थोड़ा मैं जूम कर लूँ जिससे क्या है आपको आसानी से दिख सके, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पिक्चर इन सी, यानी पिक्चर सी में कौन, मतलब क्या है पिक्चर सी में क्या दिखाया गया है, ये पिक्चर ये सी दे रखी है, इसमें क्या दिखाया गया है, ठीक है ना, क्या जीप है, कैमरा है, फिश है या सिप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिश, आंसर कौन सा बनेगा हमारा, फिश क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके विद्याज्ञान में आने वाले हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से क्या है जो बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके लिए क्या है पक्का इनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पिक्चर इन बी, यानी पिक्चर बी में क्या दे रखा है, अब हमारे लिए बताना है जो पिक्चर दे रखी है, वी दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, ये जो हमारे लिए दे रखा है, देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए क्या है, कैमरा है, जीप है, सिप है या फिश है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, उसमें जो पिक्चर बी थी उसमें क्या था हमारा, कैमरा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज देखना आपको क्या है बहुत ही धमाल देखने को मिलेगा, उसमें किस में साइंस में भी साथ में क्या है बहुत धमाल देखने को, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें क्या है प्रत्येक क्वेश्चन क्या है इतने अच्छे से और बहुत ही क्या है सोच समझ के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो क्या है फंसने वाले क्वेश्चन आपके हैं पेपर में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है द बुक इज, यहाँ बताना है द टेबल, तो कौन सा इसमें क्या है आंसर आने वाला है, विद आएगा, यानी कि द बुक इज विद द टेबल, या द बुक इज इन द टेबल, या द बुक इज टू द टेबल, या फिर क्या है द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑन, यानी क्या है जो बुक है वो किस पर रखी जाएगी, ऑन, यानी कि उस पर टेबल पर रखी जाने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो काफ़ी बच्चों ने क्या है इसके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से क्या, प्रत्येक बच्चे ने क्या है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से क्या आंसर दिए हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या है हमने क्या है इसमें देख भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे रहे हो, ठीक है ना।
अब हमारा क्या है, साइंस का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है और बहुत धांसू तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या है हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप आंसर दे रहे हो उसी तरीके से क्या है इनके भी आंसर देने हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है साधारण नमक। साधारण नमक का क्या है, जो हमारे बताना है कि जो सूत्र होता है साधारण नमक को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, देखो कमेंट बॉक्स में बच्चों को आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी क्या है डी ऑप्शन के बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे बोलते हैं हम NaCl, क्या बोलते हैं इसके लिए NaCl, जैसे क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या फिर क्या है ऑक्सीजन का। तो देखो जो गैस भरी जाती है हमारी वायुयान के टायरों में वो क्या है, सबसे हल्की गैस भरी जाती है और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। और जिसका क्या है रासायनिक जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एच ई होता है। जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, एच ई क्या है इसका प्रतीक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं बता रहा था ना आपके लिए बहुत ही क्या है अच्छा लगने वाला है आज, जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हम साइंस में भी, ठीक है। और साथ में क्या है एक निबंध क्या है करने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो पूरी लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको क्या है लास्ट तक बने रहोगे तभी आपको क्या है अच्छा आपकी तैयारी होगी, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो क्या है आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मेहनत करोगे तभी कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, यानी पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, कौन रोकता है इन किरणों को, ठीक है ना। तो क्या है, हीलियम रोकती है, ओजोन रोकती है, ऑक्सीजन रोकती है, नाइट्रोजन रोकती है, ठीक है ना। इसका देखो बच्चों अभी तक तो किसी का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ अब दिखने लगे कुछ आंसर। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होती है एक हमारी ओजोन परत होती है, उस ओजोन परत के द्वारा क्या है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है यानी पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो ना क्या आने से रोकती है, कौन ओजोन परत, ठीक है ना। कौन सी परत रोकती है, ओजोन परत क्या है उनको आने से रोकती है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि ओजोन मतलब क्या है जो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं, शॉर्ट में यूवी किरणें भी बोलते हैं, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इन्हें जो जब क्या है पृथ्वी तक आ जाती है, देखो क्या हो रहा है जो ओजोन परत है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहे हैं छिद्र हो रहे हैं, ठीक है। छिद्र होने से क्या है कुछ किरणें हमारे क्या है पृथ्वी तक अब आ जाती हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्या है ओजोन किरण मतलब क्या है सॉरी पराबैंगनी किरणों से कौन जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, तो मानव में त्वचा कैंसर होता है, किसके द्वारा, ओजोन किरणों के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो लवण होता है समुद्री जल, अब समुद्री जल में क्या होता है हमारा नमकीन होता है, यानी कि क्या है नमक के आकार की तरह होता है हमारा समुद्री जल। तो उसमें क्या पाया जाए, हमारा जो नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड ही पाया जाएगा, यानी कि क्या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ये ठोस नहीं लिखा हुआ है, ठोस लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, समुद्री जल से बर्फ बनी, समुद्री जल से बनी बर्फ या वर्षा के जल से बनी बर्फ या फिर क्या है बर्फ व नमक के मिश्रण को, किसको बताना है हमारे लिए कि क्या शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो देखो इसमें जो शुष्क बर्फ कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है शुष्क बर्फ कहा जाता है। कुछ बच्चों ने क्या है बहुत अच्छे से आंसर दिया है, यही वाला दिया है, ए ऑप्शन ही दिया है, ठीक है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का प्राण वायु कहते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, CO2 का मतलब क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, N2 मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा, और अगला ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल यही आंसर क्या है हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है, यानी कि क्या डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है प्राण वायु कहा जाता है। कौन सी वायु, प्राण वायु क्या है ऑक्सीजन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में प्रयुक्त तो काला शीशा है, यानी जो पेंसिल में जो प्रयुक्त तो होता है जो काले शीशे की तरह दिखता है जिसे क्या हम लिखते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, लोहा है, कार्बन है, ग्रेफाइट है या फिर हीरा है। इसका आंसर क्या है देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर सही दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही है, ठीक ना। इसको जो आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो क्या है ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो हमने अभी पढ़ा था तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है यानी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न क्यों हो रहा है, कौन सी गैस के कारण क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी क्या है जो उत्पन्न होने का कारण क्या है, ठीक है ना।
तो उसके उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का है इसको उत्पन्न होने का कारण है ग्रीन हाउस का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हीरा किसका अपर रूप है, ठीक है ना, हमें बताना है हीरा किसका अपरूप है, सिलिकॉन का है, सेलेनियम का है, कार्बन का है, या मैगनीज का है, या वनस्पति घी, सॉरी कहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। हाँ तो इनमें से बताना है, तो देखो जो हीरा है, जो हीरा है किसका अपरूप है, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये किसका अपरूप है, ये क्या है कार्बन का अपरूप है, किसका अपरूप है कार्बन का, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वनस्पति घी के निर्माण में क्या है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, इसका आंसर आपको क्या है वीडियो मतलब क्या है लाइव ऑफ ऑफ होने के पश्चात क्या है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है H2, HE, N2 या NE। चलो मैं बता देता हूँ, अगला और क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी NE, क्या हो जाएगा NE। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का कारण मतलब किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो उत्प्रेरक का यूज करने के लिए आ जाए तो क्या बताओगे NI, किसका यूज किया जाता है NI, ठीक है ना, किसका NI का यूज किया जाता है, ये क्या कर देता है क्रिया को बढ़ा देता है, ठीक है ना। अगला है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये तो प्रत्येक बच्चे को पता होगा, ठीक है ना। ऑप्शन भी क्या है पहले ही से ही दिख रहा है, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 24 कैरेट का क्या शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना। बट क्या होता है जो आभूषण होते हैं वो क्या है शुद्ध सोने के नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो शुद्ध सोना होता है बहुत हार्डली होता है, ठीक है ना। देखो वो सब जो सोना होता है वो क्या है एक धातु होती है, ठीक है ना, क्या होती है धातु होती है, और सबसे ज़्यादा लंबे तार सबसे पतले तार किससे खींचे जा सकते हैं, सोने से ही क्या है खींचे जा सकते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोयले के विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, देखो सब बताना है कि जो हमारे क्या है कुछ कोयले होते हैं जैसे क्या है लिग्नाइट कोयला है, पिट कोयला है, या फिर बेटुमिनस कोयला है, या फिर क्या है एंथ्रासाइट कोयला है, इसमें बताना है सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा कौन से कोयले में पाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कोयले की मात्रा जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कोयला कौन सा है हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंथ्रासाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, तो क्या प्रणोदक कहलाता है, कोल गैस कहलाता है, बायोमास कहलाता है, या कोक कहलाता है, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में दे रहा है। हाँ देखते हैं, यानी कि क्या है, हाँ अब आने लगे आंसर इसके, ठीक है ना, बिल्कुल सही आ रहे हैं कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, यानी क्या कहलाएगा प्रणोदक, क्या कहलाएगा प्रणोदक, बिल्कुल राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो आप, आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, ठीक है ना। आप यदि वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है साइंस वहाँ तक क्या है समझ में आने वाले हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन लेकर आए, इसके बाद हम क्या है निबंध भी क्या है करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको निबंध करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हीरा व ग्रेफाइट हैं, तो जो हीरा और ग्रेफाइट हैं क्या समावयवी हैं, समस्थानिक हैं, या संभारिक हैं, या फिर क्या है कार्बनिक के अपरूप हैं। तो हमने अभी पढ़ा था जो हीरा है, हीरा क्या, हीरा व ग्रेफाइट हैं, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है ना। क्या बताओगे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, देखो हीरा है, ग्रेफाइट है, और एक क्या है एक और है जिसका नाम है फुलरीन, ठीक है ना, क्या है उसका नाम फुलरीन है, ये भी क्या होती है हमारी कार्बन के अपरूप होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा क्या है अच्छा क्या माना जाता है, ज़्यादातर क्या है किसको मानते हैं हम, ग्रेफाइट को क्या है कार्बन का अपरूप माना जाता है, ठीक है ना। इनका यूज बहुत कम दिखाया जाता है, ठीक है ना। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का व्यवहार किया जाता है, यानी किस अप्रूप का यूज किया जाता है, तो पेंसिल बनाने के लिए कौन से अप्रूप का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट, यानी कि है जिससे हम लिखते हैं वो क्या है हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना पेंसिल का यूज, पेंसिल तो आपने सभी ने देखी होगी, देखो पेंसिल में जो काला काला पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम ग्रेफाइट होते हैं, वो कैसी है देखो वो क्या होती है विद्युत को ये क्या होती है विद्युत का सुचालक होती है ग्रेफाइट, ठीक है ना। यदि आपने क्या यदि ये पेंसिल है, इधर पेंसिल क्या इस ओर से भी छील ली तुमने, ठीक है ना, इस ओर से भी क्या है इसे शॉर्पनर से मतलब क्या है शॉर्प कर ली, तो देखो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर यदि तुमका बीच में क्या है लकड़ी लगी हुई, ठीक है ना, यदि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या है जैसे लाइट आ रही है किसी चीज़ से इस पर बांध दी, ठीक है ना, और इधर से बाहर से निकल रही है लाइट, ठीक है ना, यहाँ पे तुमने क्या कर दिया एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर इस पॉइंट बांधने से भी क्या बल्ब जलेगा, तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या होती है विद्युत का सुचालक होता है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, पिग लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, ठीक है ना, इनमें से बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसका इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है जब क्या है जो क्लास ऑफ हो जाए, ठीक है ना, तो ऑफलाइन क्लास में क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ठीक है ना, इसमें बताना है मैंने विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो देखो विद्युत का अच्छा चालक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक का मतलब ये होता है कि सबसे आसानी से क्या है कौन से वायर में कौन सी चीज़ में क्या है विद्युत धारा
प्रभा हो सकती है, ठीक है ना, सबसे अच्छा जिसमें क्या है, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम रहे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे अच्छा विद्युत का जो सुचालक होता है वो क्या होता है हमारा, चांदी होता है, ठीक है ना। ये सभी धातुएं हैं हमारी, ठीक है ना, क्या हमारी धातुएं हैं, तांबा है, मैग्नीशियम है, चांदी है, एल्युमिनियम, ये सभी क्या हमारी धातुएं हैं। धातुओं में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, ठीक है ना। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चांदी हो जाएगा, यानी चांदी सबसे अच्छा क्या है, विद्युत का चालक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन, मीथेन, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे, प्राकृतिक गैस, और अगला दे रखा है इथेनल, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इसका, यानी कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है, तो हाइड्रोजन को क्या है भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, ठीक है ना। किसको माना जा रहा है, हाइड्रोजन को क्या है भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, ठीक है ना। हाइड्रोजन के खोजकर्ता किसे किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कहते हैं हम कैवेंडिश के लिए, किसके लिए कहते हैं, कैवेंडिश लिख रहा है, ये कैवेंडिश होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कैवेंडिश को क्या है कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रदरफोर्ड का है, रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, इसको क्या है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कहा, सॉरी परमाणु की, किसकी, परमाणु की खोज करने वाले को किसे, कौन है वो, कौन है, रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो ये, तो इसके बाद जो हमारे क्या है अगले क्वेश्चन दे रखा है हमारे, ये दे रखा है पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे बहुमूल्य तत्व तो है, तो ये बताना है पृथ्वी की जो परपटी में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा है। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्या है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है, इसमें बताना है वायु का प्रमुख घटक कौन सा है, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अगला है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो वायु का जो प्रमुख घटक है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी क्या है, नाइट्रोजन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, तो मैंने अभी पहले ही बताया था क्या है, वायुयान की जो टायरों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, और वही गैस क्या है सबसे हल्की गैस है। तो इसमें क्या है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, हीलियम क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें हीलियम ऑप्शन नहीं दे रखा है, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या बनेगा, हीलियम क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो शीतल पेय बनाने के लिए जो जिस गैस का यूज किया जाता है वो क्या होती है हमारी, बताना है क्या, हीलियम है या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय का मतलब जानते हो, शीतल पेय का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा देखो ये दे रखी होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना, ये इन्हीं को क्या कहा जाता है, शीतल पेय कहा जाता है। तो इनको बनाने में क्या है हमारी, कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो इनको बनाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो क्या है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या है ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला, डी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। इसमें बताना है ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है, यानी कि क्या है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कितनी पाई जाती है हमारे जो वायुमंडल यानी वातावरण में, ठीक है ना। 70 पहला ऑप्शन दे रखा है, 78%, दूसरा दे रखा है 59%, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 21%, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 46%। तो देखो मैं एक बार में ही बता देता हूँ कौन सी क्या है गैस का कितनी मात्रा हमारे वातावरण में क्या है पाई जाती है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है 78%, ठीक है ना, 78% वो किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की पाई जाती है, और वो क्या हमारी 78%। हाँ बच्चों को देखो कमेंट बॉक्स में आंसर आने लगे, बिल्कुल राइट आंसर आना है, ठीक है ना। बच्चे दे रहे हैं 21%, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। यानी कि यह ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 21%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन यानी कि जो O2 की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 21% क्या है, बिल्कुल क्या है इसमें पाई जाती है किसकी, ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। और साथ में ही क्या है देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.03%, कितनी पाई जाती है 0.03, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाँ तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 21%। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो मैंने अभी बताया था पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो देखते हैं किस किस बच्चे को इसका ध्यान रहा है, ठीक है ना, किस किस बच्चे को इसका ध्यान रहा है, तो वो क्या है कमेंट बॉक्स में
कमेंट देखो, हाँ आ गए बच्चों के आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक ठीक बिल्कुल सही, सभी के आंसर आ रहे हैं। यानी क्या है 78% यानी 78% क्या है हमारी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने देखो तीनों बताई थी और तीनों ही इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसके भी क्या है आंसर बहुत जल्दी से आने लगे बिना ऑप्शन दिखाए मुझे, ठीक है ना। 21% है, 0.5% है, 0.03% है, ठीक है ना, या फिर क्या है 1% है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.03, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो धातु कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिससे क्या है स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है सबसे अच्छी, लोहा, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा इस्पात, ठीक है ना, क्या बनेगा हमारा इस्पात क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का कारण होती है। देखो कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या है, जो जहाँ पे क्या होता है इंडस्ट्रियल एरिया होता है, यानी कि क्या है सबसे ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह होती हैं, हमारे कल कारखाने होती हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र। तो उस औद्योगिक क्षेत्र में क्या है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, ठीक है ना, CO2 है, CO है, SO2 है या CH1 है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी SO2। देखो क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि जो ताजमहल का जो कलर है वो क्या है पीला पड़ता जा रहा है, वो किसके कारण पीला पड़ता जा रहा है, तो उसका भी क्या बताओगे आप अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है ताजमहल का जो कलर है वो क्या है पीला पड़ता हुआ जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, भद्दा या पीला पड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, उसे ही क्या बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस यानी SO2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो स्नेहक का पता होना चाहिए आपको, स्नेहक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो स्नेहक का मतलब होता है जो हमारा जो ऐसी चीज़ जो को मतलब क्या है थोड़ी चिकनी हो, कितनी हो चिकनी हो, उसे क्या बोलते हैं हम स्नेहक का यूज़ कहते हैं। जैसे कि हमारा जो हमारा ऑयल होता है वो भी क्या होता है एक तरीके का स्नेहक होता है, ठीक है ना। मोबिल ऑयल होता है वो भी क्या होता है हमारा स्नेहक होता है। इसी तरीके से हमारा क्या है धातु और अधातुओं में पूछ रहा है कि कौन सा क्या है स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। तो देखो ग्रेफाइट का, सिलिका का, ग्रेनाइट का या डायमंड का, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ग्रेफाइट क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्नेहक के रूप में किसको यूज करते हैं ग्रेफाइट के लिए यूज करते हैं। अगला है गोबर गैस में मुख्यता होती है, तो बताना है आपको गोबर गैस में मुख्यता क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, एथिलीन होती है, ठीक है ना। हमारे लिए क्या है चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और एथिलीन। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा मीथेन, ठीक है ना। मीथेन क्या है गोबर गैस में क्या है मुख्य घटक होती है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि जो धान के खेत होते हैं उन धान के खेतों में दलदली स्थान या फिर धान के खेतों में या फिर क्या दलदली स्थानों पर क्या है कौन सी गैस उत्पन्न होने लगती है, तो ये भी ध्यान रखना। इसका भी जो करेक्ट आंसर बनेगा इन क्वेश्चनों का भी क्या करेक्ट आंसर मीथेन ही बनेगा, इन स्थानों पर ही क्या है मीथेन उत्पन्न होने लगती है जहाँ पर दलदली स्थान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल, ठीक है ना, जो नींबू में पाए जाने वाला जो अम्ल यानी कि एसिड है वो कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है, इनमें बताना है। तो देखो जो नींबू में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो क्या हो जाएगा साइट्रिक अम्ल क्या है हो जाएगा, जबकि जो फॉर्मिक अम्ल यानी कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, हमारी जो चींटियाँ होती हैं उनमें क्या है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जबकि क्या है जो हमारे क्या कहते हैं उसके लिए जो टमाटर होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, टमाटर में कौन सा पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि एल्कोहल के प्रभाव से ज़्यादा एल्कोहल के सेवन से करने से किस चीज़ पर हमारे किस अंग पर क्या अधिक प्रभाव पड़ता है, ब्रक पर, लीवर पर, हृदय पर या फिर आंतों पर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सबसे ज़्यादा क्या है लीवर खराब होते हैं इससे अधिक एल्कोहल मतलब ड्रिंक करने से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा लीवर, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, यानी कि जो तंबाकू होती है तंबाकू में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, एस्प्रिन पाया जाता है, फिनोल पाया जाता है या ग्रेफाइट पाया जाता है। तो देखो तंबाकू में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या होता है हमारा निकोटीन पाया जाता है। तो ध्यान रखना ये जो निकोटीन पदार्थ होता है वो किसी भी व्यक्ति को क्या है उस चीज़ का आदि बना देता है, ठीक है, उसका बना देता है आदि बना देता है, फिर क्या है एक या दो दिन या महीने चार महीने जैसे उसको यूज कर लिया फिर क्या है उसको उसकी लत लग जाती है और वो कहता है बस यही चीज़ चाहिए हमारे लिए, ठीक है ना। उसी तरह वो थोड़ी सी मात्रा में क्या है निकोटीन की मात्रा किसमें भी पाई जाती है, चाय में भी क्या है पाई जाती है। इसीलिए क्या है व्यक्ति अगर डेली क्या है सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहा है तो उसको भी क्या है उसकी लत
लग जाती है चाय की भी, ठीक है ना, उसे डेली ही क्या है चाय पिए बगैर क्या है उसे उठना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो बस सुबह सुबह उठने के पश्चात क्या है तुरंत उसके लिए चाय चाहिए, ठीक है ना, चाय ही चाहिए। तो क्या है ध्यान रखना, इसमें कोई पदार्थ पाया जाता है वो किसका, कौन सा पाया जाता है, निकोटीन क्या है इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है, ठीक है ना, कपास है, ऊन है, रेशम है या नायलॉन है, तो इसमें बताना है कि कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा नहीं है, ठीक है ना, तो रेयन, नायलॉन या ऑर्लॉन या ऊन, ठीक है, तो ऊन क्या हो जाएगा हमारा मानव निर्मित रेशा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो हमारा जो निबंध है आज का, निबंध किस पर है, कोरोना वायरस पर निबंध है, ठीक है ना, किस तरीके से लिखना है थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। वैसे तो उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्या याद करना, वो देख लेना आप किस तरीके से आपको करना है, एक बार इसको क्या है सरसरी आंखों से क्या है आप देख लेना, जिससे क्या है आपके दिमाग में थोड़ा फंस जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना डालना है, प्रस्तावना डाल के क्या है क्वेश्चन मतलब क्या है इसको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस में जल्दी जल्दी क्या है थोड़े थोड़े तेज शब्दों में क्या है इसके लिए पढ़ रहा हूँ, आप केवल क्या है आसानी से इसे देखते हैं और सुनते रहें, ठीक है ना। देखो कोरोना वायरस का संबंध क्या है, वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से क्या है जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, ठीक है ना, लेकिन क्या है अब तो बन गया है, उस टाइम पर थोड़ा लिखा गया तो इसके हिसाब से लिखा गया है ये। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार होता है, जुकाम होता है, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराशें जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा सकती है। ये वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में फिर उसके पहुंचने की आशंका जताई गई और क्या है ये फिर धीरे धीरे सभी देशों में फैल गया, ठीक है ना। इस बीमारी के लक्षण COVID-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर क्या है एक हफ्ते बाद क्या है सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों को हमेशा मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण ही हुआ है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि क्या है मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग तो काफ़ी लोगों की क्या है COVID-19 में मौत भी हुई थी। बुजुर्ग या विश्व स्वास्थ्य संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी कि क्या है NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको क्या है कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर क्या है लैब में लोगों की जांच, सरकार ने क्या है कोरोना वायरस से क्या है निपटने के लिए कई तरह की क्या है तैयारी की। इसके अलावा किसी भी तरह की क्या है अफवाह से बचने के खुद को क्या है सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए जिससे क्या है कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो इस तरीके से आपको क्या है ये लिखना है, ठीक है ना। अब देखो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कल क्या है कौन सी चीज़ पर आप निबंध लेना चाहते हैं, वरना तो मैं अपने आइडिया के हिसाब से कौन सा निबंध फंस सकता है आपको वही निबंध क्या है लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो तैयार रहना कल भी 8 बजे, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने क्या है लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है ना, और साथ ही क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दे। डेली आपको क्या है यहाँ पर 8 बजे आना है, ठीक है ना, और आपको इस तरीके से क्या है सीरीज देखनी है और आपको अपना क्या है सिलेक्शन विद्यागन में लेना है, ठीक है ना, और अच्छे से क्या है देखते रहना है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सभी को, थैंक यू, टाटा बाय।